बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, तो हमने उसके लिए लिया है एक गिलास पानी। उसमें हम डालेंगे चार टमाटर मेरे अकॉर्डिंग, चार प्याज, एक पूरा लहसुन का गांठ, एक इंच अदरक का टुकड़ा और पांच छह हरी मिर्चें। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च, ये फूल वो छोटी इलायची, बड़ी इलायची हो तो वो डाल दें, अदरवाइज मेरे पास इस टाइम नहीं है तो मैंने स्किप कर लिया। अब डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और इसे हल्का हल्का गला लेंगे, ये जो टमाटर है गल जाए, तो हम इसे ढक देते हैं जब तक ये गले। तो मैंने इसे प्लेट से ढक दिया है गलने के लिए, 5 मिनट में ही गल जाएगा, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो इसे पूरी तरह नहीं गलाना है, ये देखें ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे, इसके बाद आगे बताती हूँ। ये मैंने जार में डाल लिया है जो मैंने प्याज लहसुन और टमाटर हरी मिर्च और काली मिर्च सारा उबाला है, उसको डाल के मैं पीस लेती हूँ, फिर इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो अब कढ़ाई हो चुकी है गरम, इसमें डालते हैं ऑयल। तो ये डाल दिया हमने ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही ऑयल डाल के काम चलाना है, क्योंकि घरेलू पनीर बना रहे हैं हम। तेल हो चुका है गरम, अब इसमें डालेंगे हम जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और जो हमने मसाला तैयार किया है प्याज लहसुन पूरा डाल देंगे। और हम इसे चलाते रहेंगे, इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और डालेंगे इसमें नमक, और इसे भूनेंगे, इसे जब तक भूनेंगे जब तक ये तेल न छोड़ने लगे। तो ये अपना भूनता है, इसके बाद हम करेंगे जिसमें मेन डलते हैं जिससे टेस्ट आएगा, उसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये हम डाल रहे हैं कुछ काजू, कुछ मूंगफली के दाने कच्चे, और ये हमने लिया है मगद मतलब बीज, खरबूज के बीज, इन तीनों को हम पीस लेंगे। वैसे टेस्ट के लिए ज़्यादा काजू डाले जाते हैं, लेकिन घरेलू वो बना रहे हैं तो थोड़ा ग्रेवी थिक करने के लिए हम डाल देंगे मूंगफली के दाना भी, और इससे भी अलग सा रिच लुक सा आ जाता है मगद से मतलब बीज से। तो ये सब हम पीस लेंगे फिर डालेंगे इसमें। मसाला भुन चुका है, देख तेल छोड़ चुका है मसाला, और इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू मगद और मूंगफली दाना का जो पेस्ट बनाया उसे हम डालेंगे। ये पेस्ट डाल रहे हैं,
थोड़ा गाढ़ा हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लिया है। अब इसे डालें, ये मैंने डाल दिया पूरा पेस्ट, और इसे भी हम भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, एकदम रिच लुक, टेस्ट भी बढ़ेगा और कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। बहुत से तीखा कम खाने के शौकीन होते हैं तो एक चम्मच इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा तीखा वो खाते हैं तो मैं चीनी को स्किप कर दूंगी और इसे कंटिन्यू भूनूंगी। और ये भी कुछ टाइम बाद तेल छोड़ने लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। ये देखिए इससे टेस्ट बढ़ेगा और थोड़ा खट्टापन आएगा। अब हो चुकी है हमारी ग्रेवी तैयार। इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, इससे खुशबू अच्छी आएगी, और इसे भूनेंगे लगातार। और ये तैयार है हमारी ग्रेवी। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ये पूरी तरह अब तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें डालते हैं अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, कितना गाढ़ा पतला रखना है। बहुत से थिक पसंद करते हैं, बहुत से थोड़ा पतला पसंद करते हैं। यस, मैं तो ना ज़्यादा थिक रखूँगी ना ज़्यादा पतला। ये देखिए अब ये बॉयल होने लगा। मैं डालूँगी इसे थोड़ा सा पानी और, क्योंकि थोड़ा गलने में जाएगा। तो अभी ये ऐसा तैयार हो गया है। तो ये हो चुकी है ग्रेवी तैयार। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। ये डाल, और ये पनीर डाल चुका है। हल्का सा बॉयल होने देते हैं और हमारी हो जाएगी शाही पनीर की घरेलू सब्जी। अभी हम इस पे गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया पत्ती की, और डालेंगे गरम मसाला, तो हमारा शाही पनीर हो जाएगा तैयार। तो आप भी हो जाइए खाने के लिए तैयार। तो हो चुका है मेरा शाही पनीर तैयार। ये देखिए आप भी बनाना इस तरीके से, अच्छा लगे तो कमेंट करना। और हम डाल देते हैं हल्का सा गरम मसाला। बन चुकी है हमारी सब्जी। अब करते गार्निशिंग धनिया की। धनिया भी हर खाने को टेस्टी और पाचन में सहायता करता है, तो धनिया का यूज जरूर करें, खाने में टेस्टी भी हो जाता है खाना। ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं। तो हम करते हैं अपना पनीर, मतलब शाही पनीर बाउल में। ये देखिए क्या बेहतरीन कलर आया है। ये देखिए ये हो चुका है हमारा शाही पनीर, घरेलू शाही पनीर तैयार। और इसके लिए अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।